नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो आज जो ब्लॉग का जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, लगभग शाम के 4 बज रहे हैं, सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये है आपका प्यारा राजा, देखो क्या कर रहा है। हाँ, खुजी खुजी कर रहा है। और इधर है हमारी प्यारी लूसी। लूसी क्या कर ली बच्ची। और आज ना ये बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि वो 15 दिन तक आएंगे नहीं, जिनके आए रहती है दुकान पर, तो बिल्कुल इसने कुछ भी नहीं खाया पिया, 4 दिन हो गए। और फिर यह कह रही है मुझे नहीं पूछ रहे, मुझे नहीं पूछ रहे। तो ये हमारी प्यारी बच्ची और तैयार है जाने के लिए। इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको नहीं लेके जाएंगे। तुम यही रहना, ठीक है। नहीं, तुम यही पे रहना, रहेगी यही पे। हाँ देखो 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 देखो, चलो चलो बैठो बैठो अपनी सीट में। ये देख लो जी, बस 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 बस। जब भी हम बाहर जाते हैं तो लड्डू आ जाती है। मुझे आज लड्डू दिखाई भी नहीं दे रही, और उसकी तबीयत वैसे ही उस दिन खराब थी, तो अब थोड़ा ठीक है, पर दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ गई वो। और आज ना हमने मैचिंग मैचिंग पहना हुआ है, देखो दोनों को। और आज लड्डू तो मिली नहीं, ढूंढना पड़ेगा जाके, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आए और लड्डू हमारे पीछे ना आए। तो जाके फटाफट से देखना पड़ेगा। कहाँ, ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। चलो देख लेंगे आके वापस ना। तो जब हम घर से निकले थे तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब ऐसा हो गया बादल बादल जैसा। तो रिस्पना पुल पहुंचते पहुंचते मौसम का बुरा हाल हो गया है। और मुझे जाना है नर्सरी, तो वो नर्सरी रिस्पना पुल पर ही है, पास में ही है। तो मैं जा रही हूँ राखी नर्सरी। और गुलाब का सीजन क्योंकि जाने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ एक प्लांट ले लूँ, क्योंकि मुझे लगाना भी है और मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी गार्डन वाले चैनल पर, तो आप लोग जरूर देख लेना। तो हम वही जा रहे हैं, अभी सबसे पहला काम हमारा यही है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सेलेक्ट कैसे करती हूँ प्लांट को, और वहाँ पे कौन सा प्लांट सेलेक्ट करूंगी। फेरी, वो देखो फेरिया भी फुल मजे ले रही है। तो पहुँचते हैं नर्सरी पे। पहले पहुँच गए हम नर्सरी पे, और फेरी का चिल्लाना चालू हो गया। क्या हो गया, तेरे को उतारूं? अरे अरे अरे, मेरे को लेना है भाई। है बच्चा। तो मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पर, जहाँ पर रखे हुए हैं बहुत सारे गुलाब। तो मैं सोच रही हूँ स्टैंडर्ड गुलाब ले जाना, क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी दूसरी वैरायटी भी है, तो ये देखिए ये वाले भी रखे हैं, काफ़ी प्यारा है ये। इधर तो देसी गुलाब हैं, मिनिएचर हैं, मिनिएचर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। और ये हैं स्टैंडर्ड गुलाब, ये देखिए। तो इनमें से मुझे ढूंढना है कि कौन सा लूँ। तो मुझे तो एक ही प्यारा लग रहा है, और वो देखो आपको भी लग रहा होगा, ये बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो ये वाला मैं शायद सेलेक्ट करूँगी। और तो मुझे एक ये भी है, ये देखिए ये वाला भी है। और यहाँ पे आके ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कौन सा लूँ, सभी अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा तो यही प्यारा लग रहा है, रेड वाला। देखते हैं, तो देख लीजिए हमारा प्लांट भी तैयार है, और ये हम भी चलने के लिए तैयार है। फेरी वेट कर रहे थे बच्चे, ये देखो बहुत लंबा हो गया ये। हाँ, पर ये पेड़ बहुत प्यारा लग रहा था। इसके लिए कमरा है घर पे? है? हाँ है। तो मेरा मनपसंद तो गुलाब मिल गया। और मैं पिछली बार आई थी इसे नर्सरी में, देखा था तब जगह नहीं थी कहाँ रखे, और आज मिल गया, मुझे इतनी खुशी हो रही। वही वाला है ये। मौसम जा रहा है ना, फिर मिलते नहीं अच्छे अच्छे प्लांट, तो मैंने कहा लगा लेती हूँ और अगली सर्दी तक ये अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इसकी कटिंग वर्क है नहीं ना, वो अभी बाद में। हाँ बाद में लग जाएगी, वही तो। और अब ले लेते हैं घर के लिए साग सब्जी। फेरी का फ्रेंड मिल गया, फेरी को बर्दाश्त नहीं होगा। बस बस बच्चे बस, और है छोटी सी, और देखो उससे लड़ने को तैयार है। आते हुए हमें मिल गई है काली, और आजकल दुकानें बंद है तो उसको लगी है भूख, है ना बच्चा। घर आते ही हमें मिल गई है लड्डू, जिसका मुझे था इंतजार। और लड्डू ठीक है, तू ठीक है बच्चा? हाँ ठीक है। और लूसी के मालिक आए हुए हैं 1 घंटे के लिए, उसको बुला रहे हैं, और ये जा नहीं रही है। जा बच्चे, आ गए वो।
चलो जाओ जाओ। ये सोच रही है कि क्या सोच रही है कि वो आए नहीं। जाओ बच्चा जा 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 जा, जा। ये देखो 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 भाई, ये देख लो भाई, ये गई भाग भाग के। उन्होंने आवाज मारी ना तो देखते ही इतना खुश हो गई ना, कुछ भी नहीं खा पी रही है। तो वो सिर्फ उसकी वजह से एक घंटे के लिए आते हैं और उसे खिला पिला के जाते हैं। हमें बहुत टेंशन हो रही थी तो हमने उन्हें फ़ोन किया कि मैंने कहा आ जाओ और इसको थोड़ा देख लो, नहीं तो ये 15 दिन में तो निपट ही जाएगी। कुछ नहीं खा रही ना वो, वही तो ना, इस पूरी कॉलोनी की महारानी है। कोई भी आ जाए इसको धमकाना जरूर है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई, देखो लाडू लाडू चल रहा है, प्यार प्यार। राजा को जेलसी हो रही, ये देख राजा आ रहे हूँ बच्चा आ रहे हूँ। राजा ने किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता। अब ये अर्पिता खड़ी है तो इसको भौंक रहा है वो कि ये क्यों है। ये देखो उसकी नौटंकी खुश कितनी है। लड्डू के बिस्किट क्यों खा रही है, चुराने में इतनी माहिर है ना ये। खा रही हूं। उसके बिस्किट क्यों खा रही है तू, चल नहीं तुझे नहीं खाना ये। क्या हुआ, गुस्सा हो रहा था तू। फेरी को नहीं मिलने देना किसी से, ना तो फेरी किसी से मिलेगी, ना मैं किसी से मिलने दूंगा और ना मैं किसी से मिलूंगा। ये है राजा है, सिर्फ हम मिलेंगे। ये क्या करा तूने, लूसी के साथ लड़ा तो नहीं था, कितना कुछ हो गया। खुशी देखो इसकी, आई मेरा बच्चा खड़ूश खड़ूश खड़ूश। जब पानी पीले थक गया तू, भौंक भौंक के थक गया ना, खुश कितना हो रहा है, हैं? ए मिर्ची, बस बस बच्चा बस बस ठीक है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, सो जाओ, चलो यहाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ओह ओहो ओहो ओ, ये देखना इसको, इसको कितनी चिड़ मच रही है। घर आके इतनी गर्मी लग रही है ना, तो आज हमारे पतिदेव जी बना रहे हैं सिकंजी, वो भी सोडे वाली। बन गई यार, आप कितने अच्छे हो ना, मक्खन लगा रहे हो। गाना सुनाऊं आपको एक, वो तो है अलबेला हजारों में अकेला, और अच्छी तरीके से मिलेगी। हमारी सोडे वाली सिकंजी तैयार है, अब लेते हैं इसका मजा। देखिए मैंने इतनी मस्त बनी है ना, बहुत मस्त। थैंक यू। हाँ रोज, तभी तो चाय छोड़ दूंगी, मेरे से छूटती नहीं है। आप सिकंजी रोज पिलाओगे तो मैं चाय छोड़ दूंगी, ठीक है? हाँ वादा। तो अभी आई हूँ मैं छत पर और अपने प्लांट्स देखने के लिए कि आज पानी देना है कि नहीं। वैसे तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि कल रात हुई थी यहाँ पर बारिश, तब से मौसम ठीक हो गया है। गर्मी पड़ने लगी थी लेकिन फिर से मेंटेन हो गया। तो मुझे देहरादून के मौसम की यही खास बात लगती है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बरसात हो जाती है तो मेंटेन हो जाता है वो। और एक और गुलाब मेरे यहाँ मेहमान बन के आ गया है, और ये वाले तो बहुत अच्छे से चल ही रहे हैं, जितने भी चल रहे हैं। देखिए बरसात से थोड़े थोड़े ख़राब हो गए हैं, और ये जब एक दो दिन बाद में मैं इन सबको काट दूँगी जितने भी हैं। तो बहुत सारे काम हैं, बस आज पानी देने का काम नहीं है, एक दो दिन को छुट्टी हो गई है। और आज भी लग रहा है कि बारिश होगी नहीं होगी पता नहीं है। आजकल ना राजा मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है और मेरे से धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होता जा रहा है। और जैसे ही मैं छत पर आई हूँ वैसे ये भी आ गया है, और अब रात को राजा रहता है अंदर, पहले तो बाहर रहता था, लेकिन बारिश होती है तब ये ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, इतना ज़्यादा कि मतलब इधर से उधर मतलब घबराता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अब हम इसको रात को अंदर रखते हैं, दिन में ये बाहर रहता है। लूसी बाहर रहती है, लूसी को तो आदत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कोने में रहती है, मैंने आपको दिखाया था ना कहाँ रहती है। तो कल रात ना 2 बजे के करीब इतना जब बिजली गरजती है तब बिजली कड़कती है, गरजती का है। जब बिजली कड़क रही थी तब ये ना इतना ज़्यादा डर गया, बुला रहा था, तब हम गए फिर इसको रात को अंदर ले लिया। वैसे भी अब अंदर ही रहता है तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो खड़ो सही हो जा, सही हो जा, ठीक है राक्षस। वैसे तो ठीक है, बस इसको नोचना नहीं है, अकेले ठीक रहता है, पर करने नहीं देता ना। तो इसके हम कपड़े पहना सकते हैं इसको,
अच्छे तरीके से कि हाँ हाँ जैसे फेरी को पहनाते नए नए वैसे पहना दे ना, इसकी कंघी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं करने देता, बस दूर दूर से खेलो उससे, बस यही है। पता नहीं कब सुधरेगा ये, पर उम्मीद है कि इतना सुधर गया है आगे भी सुधर ही जाएगा। तो यहाँ का तो देख लिया, आप चलते हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि 6:30 बजे फिर देर हो जाती है बनाना। खाना तो हमारा रेडी हो गया है, राजमा और चावल, रोटियाँ मुझे बनानी है और रोटियां हम खाएंगे 8:30 बजे। तो अभी मैंने बना के रख दिया है, थोड़ा बहुत काम निपटा दिया बर्तन वगैरह, नहीं तो फिर देर हो जाती है बहुत ज़्यादा। और आजकल टाइम की इतनी शॉर्टेज हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सारी चीज़ों पे आजकल मैं एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर ले, और उसकी आईडी है नेचर लवर विन्नो, और वहाँ पे मैं फेरी राजा के बहुत सारे रील्स डालती रहती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ। खाना तो हम लेट ही खाएंगे ना, 8:30-9 बजे करीब वही। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग को इंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले ही बाय बोल रहे, मेरे को बोलने भी नहीं दे रहे। ठीक है फ्रेंड, बाय।